डायरेक्ट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को बर्बाद कर देगा। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि किस प्रकार से बड़े बड़े ब्लॉगर्स जिनकी वेबसाइट का ट्रैफिक मिलियन में था और उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक आज अगर आप देखोगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। अगर सबसे पहले यूट्यूब पर आप सर्च करोगे ब्लॉगिंग तो सबसे पहले कौन आ रहा है, पवन अग्रवाल जी। जी इसलिए लगा रहा हूँ क्योंकि सम्मान देना जरूरी है। लेकिन एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछली वीडियो में मैंने एक बात बोली थी कि डायरेक्ट ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को खा जाएगा और बिल्कुल अभी बता देता हूं। तो पवन अग्रवाल जी की तीन वेबसाइट को हम देखने वाले हैं जो कि जानी मानी है, दीपावली.co.in। अब इसकी बात करें तो इस वेबसाइट का ट्रैफिक अभी चेक कर लेते हैं और आपको समझ में आ जाएगा। इस वेबसाइट का ट्रैफिक पिछले महीने 1,98,000 था और मैंने पिछले महीने ही बोल दिया था। अब देखेंगे ना ट्रैफिक 64K, अब ध्यान रखना कितना है, 64,000 ट्रैफिक है। थोड़ा सा नीचे आए, यह वीडियो टोटल डायरेक्ट ट्रैफिक के लिए बनाया जा रहा है और डायरेक्ट ट्रैफिक किस प्रकार से आपकी वेबसाइट को डाउन करता है उसके बारे में भी फुल डिटेल से बताने वाला हूं। ये प्रूफ दे रहा हूं ताकि आप लोग सीख सकें। दरअसल क्या होता है कि हमारे कम सब्सक्राइबर्स हैं इसलिए भरोसा कर पाना थोड़ा मुश्किल है। और अगर नहीं समझ रहे हैं, आपको एक बात बताना चाहूंगा कि अगर जो बंदे ब्लॉगिंग कर रहे हैं उनके YouTube पर कम सब्सक्राइबर्स देखने को मिलेंगे, ओके? तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। सर्च से इनका ट्रैफिक आ रहा है 67%, क्योंकि उन्होंने सर्च ट्रैफिक थोड़ा बढ़ा दिया है, वरना पहले इनका जो डायरेक्ट ट्रैफिक था ना वही 40-45% था। अभी 25% इनका डायरेक्ट ट्रैफिक है, सोशल ट्रैफिक है 6% और रेपलर 1%, डिस्प्ले एड जो भी है भाई, लगभग 30% ट्रैफिक अदर सोर्स से आ रहा है और जिसमें डायरेक्ट ट्रैफिक 25 यानी 26% मान लो। अब इनका जो डायरेक्ट ट्रैफिक आ रहा है वो आ रहा है पुश नोटिफिकेशन से, व्हाट्सएप ग्रुप से और तीसरे आए यूट्यूब चैनल, क्योंकि यूट्यूब चैनल पर इन्होंने डायरेक्ट प्रमोशन करना चालू कर दिया अपनी वेबसाइट का, इसलिए लोग डायरेक्ट सर्च करके आते हैं इनकी वेबसाइट पर। जब वे देखते हैं कि महीने का 1 करोड़ कैसे कमाएं तो इतना देखकर शायद वे लोग समझ जाते हैं कि भाई यहीं पर गलती हो रही है हमारी और वे छोड़कर चले जाते होंगे। इनकी दूसरी जो है वो है पीएम मोदी योजना। अगर इनकी इस वेबसाइट पर जाएं, इस वेबसाइट का ट्रैफिक मिलियंस में था, अभी अगर आप इनका ट्रैफिक देखेंगे ना इस वेबसाइट का तो देख रहे हैं 3,800, मात्र 3,800 यहाँ पर लिखा हुआ है। आप नाम देख रहे हैं पीएम मोदी योजना बाय पवन अग्रवाल, बिल्कुल नाम लिखा हुआ है यहाँ पर। सबसे बड़ी इनकी गलती क्या है बता दूं, इनकी अगर एक किसी पोस्ट को भी ओपन करके आप देख लोगे ना तो इस तरीके से पोस्ट कोई बिगनर भी नहीं लिखता है, यानी कि अगर कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट भी कर रहा है ना तो वो भी 100 बार सोचेगा इस प्रकार से लिखने की। यहाँ पर इन्होंने जो फर्स्ट पैराग्राफ लिखा है भाई पूरे कीवर्ड से भर दिया है और ये चीज गूगल को बिल्कुल पसंद नहीं है, ये गूगल के निराधार पॉलिसी के खिलाफ है। तो भाई ये चीज तो आप भूल जाओ कि यहाँ इस वाली पोस्ट से आपको कुछ सीखने को मिलेगा, खासकर ब्लॉगर्स को। तो यहाँ पर देख रहे हैं टोटल कीवर्ड से भरा हुआ है। जब इस वेबसाइट पर मिलियंस में ट्रैफिक था ना तो एक बार मैं भी हैरान हो गया था कि भाई इतनी बड़ी गलती हो रही है इस वेबसाइट में और इस वेबसाइट को गूगल रैंक क्यों कर रहा है, आखिरकार क्या है इसकी वजह। तो बाद में समझ में आ गया मेरी, लेकिन अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई अब इस वेबसाइट की हालत कैसी है जो कि स्पैम अपडेट में आ गई। अब यहां पर बात करें, इस पे जाएं और थोड़ा सा नीचे जाएं, ट्रैफिक चेक करें, ओके? तो थोड़ा सा ट्रैफिक देखो, 57% ट्रैफिक जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक है और अभी इनकी वेबसाइट की बाट लग चुकी है। अब ये वेबसाइट में क्यों बता रहा हूं ताकि आप सीख सकें, अब ये डायरेक्ट ट्रैफिक किस प्रकार का है, क्यों इनकी वेबसाइट डाउन हुई मैं बताऊंगा भाई, लेकिन वीडियो के आगे। अब दो वेबसाइट हो गई, डायरेक्ट ट्रैफिक कितना ज्यादा है, ऑर्गेनिक से भी ज्यादा है। तो जो लोग कमेंट्स कर रहे थे ना पिछले वीडियो में कि आप गलत जानकारी दे रहे हो, डायरेक्ट ट्रैफिक से कभी वेबसाइट डाउन नहीं होती, तो आज का यह वीडियो देखकर आपको समझ में आ जाएगा कि डायरेक्ट ट्रैफिक से किस प्रकार से वेबसाइट डाउन होती है। अभी मैंने डायरेक्ट ट्रैफिक से डाउन होना बताया नहीं है कि किस प्रकार से डाउन होती है, बताऊंगा भाई थोड़ी देर बाद। एक बात और बता दूं, मैं जो भी जानकारी दे रहा हूं ना
दोस्तों मैंने इस ब्लॉगिंग में बहुत ज्यादा अनुभव किए सभी चीजें, तब मैं आपको बता रहा हूँ ये सब कुछ। ब्लॉगिंग में जो गूगल के अपडेट आते रहते हैं उनसे मैंने डरना छोड़ दिया है, क्योंकि हमें पता चल चुका है कि किस प्रकार से डाउन होने के बाद भी हम अपनी वेबसाइट को ग्रो कर सकते हैं। अब अगली वेबसाइट पर चलते हैं जो कि इनकी साइट से। पवन अग्रवाल जी माफ करना, आपकी वेबसाइट का थोड़ा सा उपयोग कर रहे हैं जानकारी के लिए। तो दोस्तों अभी इस वेबसाइट को देखिए, ये भी मतलब पवन अग्रवाल जी की साइट है, क्योंकि इन्होंने ही बार बार अपनी वेबसाइट के बारे में बताते रहते हैं। अगर आप इधर देखोगे तो इनकी वेबसाइट है भाई, यहाँ पर इनका इमेज भी लगा हुआ है और इनका अबाउट अस पेज है, इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। दीपावली के नाम से ही इस वेबसाइट को भी बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर आप चेक करोगे साइट का ट्रैफिक, तो इस साइट का यहाँ पर मैंने कोई स्क्रिप्ट तैयार नहीं की है कि भाई स्क्रिप्ट में पढ़ पढ़ कर मैं बोल रहा हूँ या ये सब जानकारियाँ आपको बता रहा हूँ, नहीं भाई, ये सब चीज़ें मुझे आती है और जो मैं शब्द बोल रहा हूँ वही लगातार बोल रहा हूँ और बिना स्क्रिप्ट के। अगर यहाँ पर आप देखोगे तो इनकी वेबसाइट का ट्रैफिक पिछले महीने 1,06,000 ट्रैफिक था, अचानक से इनका ट्रैफिक 55K रह गया है। 1,00,000 से अधिक ट्रैफिक था, तब भी मैं सोच रहा था कि यार ये तो बहुत गजब की वेबसाइट है, टूल्स वाली वेबसाइट है, एफिलिएट वाली वेबसाइट है, इतना कुछ है और इतना ट्रैफिक आ गया सच में। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी गलती क्या है, थोड़ा सा नीचे आते हैं और उसे देखकर आपको समझ में आ जाएगा। 43% डायरेक्ट ट्रैफिक, देख रहे हैं, मतलब मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ये सब आपको समझ में आ रही होगी। 43% जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक है, किस प्रकार का ट्रैफिक है, क्यों डाउन हुई है इनकी वेबसाइट, वो भी बताने वाला हूं आगे। अभी तक जो वेबसाइट है मैंने बताई है ज्यादातर है डायरेक्ट ट्रैफिक है, ये चीज समझ में आ गई। अब कुछ लोग बोल रहे थे, इन्हें मैं हटा देता हूं, कुछ लोग बोल रहे थे कि सर जो सतीश कुशवाहा जी की जो वेबसाइट है ताजा टाइम, जो कि एक समय अच्छी चल रही थी, एक दो महीने चली हालांकि, उसकी वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन क्यों हो गया, उसके कीवर्ड रैंक होना बंद क्यों हो गई। तो जिन व्यूअर्स ने कमेंट्स की पिछले वीडियो में बोला कि तुम गलत जानकारी दे रहे हो, डायरेक्ट ट्रैफिक कोई गलत चीज नहीं है, मानता हूं गलत चीज नहीं है, लेकिन वो गलत कब हो जाती है वो सब समझ में आ जाएगा। अब कुछ लोगों ने बोला कि ताजा टाइम के कीवर्ड्स गूगल में क्यों नहीं रैंक कर रहे, आखिरकार उस वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन क्यों हो गया, तो पिछला वीडियो देख लेना और इस वीडियो को ध्यान से देख लेना, सबको समझ में आ जाएगा। अगर बात करें ताजा टाइम वेबसाइट की, यानी कि इस वेबसाइट का ट्रैफिक आखिरकार डाउन क्यों हुआ, इसमें भी पुश नोटिफिकेशन लगा हुआ है, तो अभी इस वेबसाइट का ट्रैफिक हम चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं मात्र 30,000 ट्रैफिक बचा है भाई, इतना ट्रैफिक, वो भी इंडिया का ट्रैफिक, कुछ कमाई नहीं होती। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, कीवर्ड से ही आपको पता लग रहा है कि लोग डायरेक्ट सर्च करके आ रहे हैं। यहां पर देखिए 46% जो ट्रैफिक है वो डायरेक्ट ट्रैफिक है, 46%, यानी कि जो सर्च का ट्रैफिक आ रहा है उससे भी ज्यादा ट्रैफिक है ये, तो समझ लीजिए सिंपल सी बात। अक्सर आपने देखा होगा कि कुछ लोग वेब स्टोरीज बनाया करते हैं और अचानक से उनकी वेब स्टोरीज वायरल होना स्टार्ट हो जाती है, अचानक से जीरो हो जाती है, बाट लग जाती है। कुछ चालाक लोग होते हैं, यानी चालाक ब्लॉगिंग कर रहे हैं चालाकी से, वो भी मिलियंस में ट्रैफिक ले आते हैं वेब स्टोरी से, देखते ही देखते एक दो महीने बाद उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक जीरो बटे सन्नाटा हो जाता है। तो इनकी सबसे बड़ी वजह क्या है, आखिरकार जीरो क्यों हो जाता है। दरअसल वेब स्टोरी से जो ट्रैफिक आता है, पहले ध्यान से सुन लेना कि डायरेक्ट ट्रैफिक कहां कहां से आता है। वेब स्टोरी से जो ट्रैफिक आता है वो डायरेक्ट में गिना जाता है, यानी डायरेक्ट से ही आता है, क्योंकि वेब स्टोरी डिस्कवर में शो होती है और वहां से जो ट्रैफिक आता है वो डायरेक्ट में गिना जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप से, अगर व्हाट्सएप से आप लाते हो तो वो भी डायरेक्ट ट्रैफिक होता है। अगर आप पुश नोटिफिकेशन से ट्रैफिक लाते हो, चाहे कोई भी पुश नोटिफिकेशन हो, तो वो ट्रैफिक भी डायरेक्ट ट्रैफिक में गिना जाता है। अगर कोई व्यक्ति आपकी वेबसाइट को डायरेक्ट सर्च करके आ रहा है, यानी डायरेक्ट उसने गूगल में लिंक डाल दी और क्लिक कर दी, तो डायरेक्ट ओपन होती है वेबसाइट, तो
वो ट्रैफिक भी डायरेक्ट में आता है। तो ये चारों चीज आपकी समझ में आ गई होगी। हालांकि ये बच्चों वाली चीज बताई है मैंने, मैं फिर से बोल रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है भाई सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन भी दबा देना और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। ओके, दरअसल जो डायरेक्ट ट्रैफिक होता है वो दो तरह का होता है, यानी कि दो तरह की ऑडियंस होती है। इस चीज को अपने दिल दिमाग में बैठा लो, क्योंकि दो तरह की ऑडियंस आपके सामने है भाई, और आप किस प्रकार की ऑडियंस को अपनी वेबसाइट पर लाते हो उससे ही आपकी वेबसाइट की बाट लगेगी, और आप जो गलतियां करते हो अपनी वेबसाइट में उससे भी बाट लग जाती है। और बहुत सारी गलतियां जो कि मैंने पिछले वीडियो में बताई थी, उस वीडियो को अवश्य देख लेना। फिलहाल बात कर रहे हैं कि दो तरह की ऑडियंस कौन कौन सी है। दरअसल एक ट्रैफिक होता है जबरदस्ती लाना, एक ट्रैफिक होता है जो कि ईमानदारी से आता है। तो यहाँ पर पवन अग्रवाल जी के पास कई व्हाट्सएप ग्रुप्स या फिर कई पुश नोटिफिकेशन में मिलियंस में फॉलोवर्स हैं, जो उनके फॉलोवर्स हैं पुश नोटिफिकेशन में या फिर व्हाट्सएप ग्रुप्स में, अब वे किसी एक कैटेगरी के नहीं है, बल्कि कोई तो योजना वाले हैं, क्योंकि उनकी वेबसाइट पर पहले मिलियंस में ट्रैफिक था योजना वाली पर, तो उस योजना वाली वेबसाइट से उन्हें मिलियंस में पुश नोटिफिकेशन पर फॉलोवर्स मिल गए। अगर उन्हें टेक्नोलॉजी वाली वेबसाइट का नोटिफिकेशन भेजा जाएगा और भी योजना वाले बंदे जब उस वेबसाइट पर आएंगे टेक्नोलॉजी वाले पे, यानी SEO टिप्स वाले पे, तो वे नहीं रुकेंगे, मैं कहता हूँ 5 सेकंड भी नहीं रुकेंगे उस वेबसाइट पर, क्योंकि भाई वे योजना जानना चाहते हैं, केवल जो सरकारी योजना आ रही है उनके बारे में जानना चाहते हैं, उनके बारे में पढ़ना चाहते हैं। तो जबरदस्ती लाया हुआ ट्रैफिक कम टाइम तक रुकता है, और इससे गूगल को पता लग जाता है कि आप क्या घोटालाबाजी कर रहे हो, और फिर बाट लगना स्टार्ट हो जाती है वेबसाइट की, ट्रैफिक गिरना स्टार्ट हो जाता है वेबसाइट का। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखना। हालांकि अगले महीने जो सिमिलर वेब है, जो भी है ट्रैफिक चेकर टूल्स, वो आपकी वेबसाइट का ट्रैफिक बढ़ा हुआ ग्राफ उठा हुआ दिखा देंगे, लेकिन भाई वो ज्यादा देर तक नहीं संभाल पाएंगे, अगले महीने फिर वही जीरो आना है। तो यहां पर जबरदस्ती वाला ट्रैफिक कुछ इस प्रकार से है, और जो ईमानदारी वाला ट्रैफिक है, जैसे कि आप मेरे को जानते हो और मेरी कोई वेबसाइट है, तो आप देखना चाहोगे, आप एक ब्लॉगर से देखना चाहोगे कि मेरी वेबसाइट कौन सी है, तो आप मेरी वेबसाइट को सर्च करके गए, वहां पर आप बहुत देर तक रुकोगे, क्योंकि आप ईमानदारी से जा रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट सर्च करके जा रहे हो, चाहे आप डायरेक्ट ट्रैफिक में गिने जा रहे हो, फिर भी आप बहुत देर तक रुकोगे। तो इस चीज को गूगल बेहतरीन तरीके से लेता है कि भाई ये बंदा एकदम ऑर्गेनिक है, यानी कि ये ट्रैफिक एकदम सही है। अब जैसा कि आपके पास ऑडियंस है योजना वाली, सरकारी योजना वाली, अगर आप उन्हें सरकारी योजना वाला नोटिफिकेशन भेजोगे, और जब भी उस नोटिफिकेशन पर क्लिक करके आपकी वेबसाइट पर आएंगे, वहां पर सरकारी योजना वाली पोस्ट मिलेंगी, तो वे लोग रुकेंगे, टाइम स्पेंड करेंगे। तो यह होता है सही तरीका ट्रैफिक लाने का, डायरेक्ट ट्रैफिक लाने का। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि किस प्रकार से इन वेबसाइट का ट्रैफिक डाउन हुआ, जिन लोगों ने नहीं देखा है पिछला वीडियो तो एक बार जरूर देख लेना। ओके, ताजा टाइम वेबसाइट पर भी कुछ ऐसा ही हाल हो रहा है। दरअसल उस साइट में भी पुश नोटिफिकेशन लगा हुआ है, उससे भी जो सब्सक्राइबर्स इकट्ठे हुए हैं उनको नोटिफिकेशन भेजकर लाया जा रहा है, लेकिन वो लोग ज्यादा समय तक नहीं रुक रहे हैं। तो इस प्रकार से इन वेबसाइट्स का ट्रैफिक डाउन हो गया। यहाँ पर सबसे बड़ी जानकारी देना चाहूंगा वेब स्टोरेज की, क्योंकि जो वेब स्टोरेज डाल रहे हैं, मैंने बीच में कहा था चालाक ब्लॉगर्स, यानी जो चालाकी से वेब स्टोरी का ट्रैफिक ला रहे हैं, दरअसल उनकी चालाकी क्या है कि वो वेब स्टोरी जो बनाते हैं, कोई भी वेब स्टोरी बनाते हैं, उनके पास पुश नोटिफिकेशन पर यूएसए का ट्रैफिक है, यूएसए के फॉलोवर्स हैं। तो वो लोग क्या कर रहे हैं कि जैसे कि अमेरिका से ट्रैफिक लाना चाहते हैं अपनी वेब स्टोरी पर, या फिर अपनी वेब स्टोरी को अमेरिका में रैंक करना चाहते हैं, तो वो वेब स्टोरी बनाते हैं, कुछ भी बनाया, कुछ ट्रेंडिंग टॉपिक, और उस वेब स्टोरी की लिंक अपने पुश नोटिफिकेशन में शेयर कर देते हैं अपने फॉलोवर्स को। अब यहाँ पर वो सभी फॉलोवर्स उस वेब स्टोरी पर क्लिक करते हैं, ऐसे गूगल को पता लगता है कि लोग इस वेब स्टोरी को देख रहे हैं, और इस वजह से उस वेब स्टोरी को रैंक कर दिया जाता है डिस्कवर में, जिससे हजारों में ट्रैफिक आना स्टार्ट हो जाता है वेब स्टोरी पर। कुछ लोग व्हाट्सएप ग्रुप्स का सहारा लेकर इस प्रकार से ट्रैफिक ला रहे हैं,
लेकिन आपको बात बता दूं कि यह चीज ज्यादा समय तक काम नहीं करती। असल क्या होता है कि जब उन फॉलोवर्स को बार बार नोटिफिकेशन भेजा जाता है तो वो क्लिक करना बंद कर देते हैं, अगर क्लिक कर भी देते हैं तो सेकंडों में वापस आ जाते हैं। इससे गूगल को पता लग जाता है कि यहां पर गड़बड़ घोटाला हो रहा है और वह अगली बार चाहे आप उस नोटिफिकेशन पर भेजें चाहे व्हाट्सएप ग्रुप्स पर भेजें, जब गूगल ही आपकी उस वेब स्टोरी को डिस्कवर में नहीं दिखाएगा तो भाई ट्रैफिक कैसे आएगा, तो यहां पर खेल खराब हो जाता है। तो इस प्रकार से कुछ चालाक ब्लॉगर्स का ट्रैफिक जीरो हो गया है। ओके, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। जो कुछ बिगनर्स थे वो भी ऐसी गलतियां कर रहे थे, उन्हें मजा आ रहा था, अच्छी खासी कमाई भी कर रहे थे, लेकिन उनकी साइट का ट्रैफिक भी जीरो हो गया। सबसे बड़ी बात यहां पर बताना चाहूंगा भाई, एएमपी प्लगइन के पीछे क्यों पड़ी हो, जो हर कोई बिगनर्स आ रहा है भाई वेबसाइट में, बस बिना मतलब के प्लगइन्स ठूसे जा रही हो। एएमपी प्लगइन तो पहले लगा देंगे कि भाई एएमपी तो बहुत जरूरी है भाई, इतना तो सोचो एएमपी प्लगइन आपकी वेबसाइट की बाट लगा देता है, अलग से आपकी मोबाइल के लिए एएमपी की लिंक्स बना देता है जो कि कभी कभी काम करती हैं, और बस किसी दिन अगर प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गई ना तो सर्च कंसोल में इतने एरर देखने को मिलेंगे कि संभालते संभालते थक जाओगे। लेकिन कुछ लोग जो कि हटाना चाहते हैं प्लगइन को, एएमपी प्लगइन को, तो भाई मेरे चैनल में वीडियो मिल जाएगा और उससे आप बिना किसी 404 एरर के एएमपी प्लगइन को रिमूव कर सकते हो। और कुछ लोगों को तो भरोसा तक नहीं हो रहा होगा कि भाई एएमपी की बात क्यों करने लग गए, और नहीं समझ में आ रहा है कि एएमपी किस तरीके से आपकी वेबसाइट की बाट लगाता है, तो कमेंट्स में बता देना, मैं अगला वीडियो बना दूंगा, जब मुझे टाइम मिलेगा तब बना दूंगा। ओके, ईएमपी कोई भगवान नहीं है, तो भाई आप उसके बारे में सोचना छोड़ दो। ईएमपी से आपकी वेबसाइट, मुझे पता है ईएमपी आप लोग इसलिए कर रहे हो ताकि आपकी वेब स्टोरी रैंक हो सके, ताकि आपकी पोस्ट डिस्कवर में जा सके। ओके, लेकिन कभी कभी यही चीज नुकसानदायक हो जाती है। लेकिन यहां पर हम बात कर रहे थे डायरेक्ट ट्रैफिक की, एक ही टॉपिक पकड़ के रखा है मैंने शुरू से डायरेक्ट ट्रैफिक, और समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ऑडियंस होती है, जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक में दो तरह की होती है, जो कि किस तरीके से आपकी वेबसाइट की बाट लगाती है। और सावधान हो जाओ, सतर्क हो जाओ, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा हो कमेंट्स में बता देना भाई, अगर आपके अंदर जितने भी डाउट्स क्वेश्चंस हो भाई कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताना, और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना उन लोगों को जो कि डायरेक्ट ट्रैफिक सोच रहे हैं भाई, डायरेक्ट ट्रैफिक ला रहे हैं। और एक बात और, मैंने जिन वेबसाइट का उपयोग इस वीडियो में किया है मैं उन सभी ब्लॉगर्स को क्रेडिट देना चाहूंगा, अगर आप लोग अभी तक इस वीडियो को देख रहे हैं तो थैंक यू, धन्यवाद।